नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। एलन से जुड़ी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एलन कोटा में स्टूडेंट्स के लिए योद्धा सेशन का आयोजन। परमवीर चक्र विजेता सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सर ने बच्चों को किया मोटिवेट। 56 नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट में एलन स्टूडेंट्स का बेहतरीन प्रदर्शन। लास्ट राउंड के लिए एलन के 1412 स्टूडेंट्स का चयन। एलन पीएनसीएफ कोटा की ओर से फन विद गरबा वर्कशॉप का आयोजन। क्लास 6 से 9 तक के बच्चों ने की मस्ती। एलन सीकर पीएनसीएफ की ओर से फन फेस्ट का आयोजन। क्लास 6 से 10 तक के बच्चे हुए शामिल। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। एलन कोटा में इंजीनियर, मेडिकल और पीएनसीएफ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए विभिन्न कैंपस में योद्धा सेशंस का आयोजन किया जा रहा है। सेशंस में 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स ने शामिल होकर लाइफ में सफल होने के टिप्स लिए। एक योद्धा कभी नहीं हारता है, वो लगातार प्रयास करता है और एक दिन मंजिल उसे मिल ही जाती है। ये कहना है परमवीर चक्र विजेता सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का। सेशन में कैप्टन यादव ने स्टूडेंट्स को जिंदगी को सकारात्मकता के साथ जीने का संदेश दिया। ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने कहा कि लाइफ में 3 P होना जरूरी है। इसके आधार पर आगे बढ़ोगे तो कभी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला पी है पर्पस यानी उद्देश्य, दूसरा पी है पैशन यानी जुनून, तीसरा पी है परफॉर्मेंस यानी प्रगति। ये तीनों पी एक दूसरे के पूरक हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोबाइल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। सभी बच्चों ने कैप्टन योगेंद्र यादव की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में अच्छी आदतें अपनाने की बात कही। 56वें NMTC एग्जाम में एलन स्टूडेंट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस एग्जाम के लास्ट राउंड के लिए एलन के 1412 स्टूडेंट्स चयनित हुए हैं। चयनित स्टूडेंट्स 19 अक्टूबर को अगले चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। एलन वाइस प्रेसिडेंट और PNCF हेड अमित गुप्ता सर ने बताया कि NMTC राष्ट्र स्तरीय गणित विषय की प्रतिस्पर्धा है, जो एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें स्टूडेंट्स की कक्षावार कैटेगरी लेवल जैसे प्राइमरी, सब जूनियर, जूनियर और इंटर के स्टूडेंट्स की 2 चरणों में गणित के ज्ञान की परख की जाती है। आपको बता दें, प्राइमरी लेवल पर 101, सब जूनियर लेवल पर 358, जूनियर लेवल पर 745 और इंटर लेवल के लिए 208 एलन स्टूडेंट्स का चयन हुआ है, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। वहीं परिणाम जारी होने के साथ ही एलन सेंटर्स पर विजेता स्टूडेंट्स का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया और केक कट करके एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और लास्ट राउंड के लिए ढेरों बधाई दी। एलन अपने स्टूडेंट्स की पढ़ाई के साथ साथ उनके मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखता है। हाल ही में एलन PNCF कोटा की ओर से स्टूडेंट्स के लिए फन विद गरबा वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में क्लास 6 से 9 तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स को मुंबई से आए एक्सपर्ट्स द्वारा गरबा करना सिखाया गया। वर्कशॉप में बच्चों ने कई पारंपरिक और आधुनिक गरबा शैलियां सीखी। इस जबरदस्त माहौल में हर कोई गरबा शैलियों पर झूमता नजर आया। आपको बता दें, एलन समय पर ऐसी वर्कशॉप्स का आयोजन करता रहता है, जिससे बच्चे नई उमंग और उत्साह से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। एलन अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ अपने टीम मेंबर्स का भी पूरा ख्याल रखता है। हाल ही में एलन की ओर से स्टूडेंट्स और टीम मेंबर्स के लिए ब्लू किंगडम वाटर पार्क में पिकनिक का आयोजन किया। ब्लू किंगडम वाटर पार्क वन विहार कार्यक्रम में हजारों एलन टीम मेंबर ने खूब एंजॉय किया। टीम मेंबर्स और स्टूडेंट्स ने स्काई साइकिल, जिप लाइन, ह्यूमन गायरो, जाइंट स्विंग, रॉकेट इजेक्टर और स्लाइड जैसी कई इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज में शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम के अंत में सभी ने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखा। ब्लू किंगडम वाटर पार्क वन विहार कार्यक्रम में एलन डायरेक्टर गोविंद माहेश्वरी सर, ब्रजेश माहेश्वरी सर और होल टाइम एग्जीक्यूटिव अविरल माहेश्वरी सर भी पहुंचे और टीम मेंबर्स का उत्साहवर्धन किया। एलन सीकर PNCF डिवीजन की ओर से स्टूडेंट्स के लिए फन फेस्ट का आयोजन किया गया। फन फेस्ट की शुरुआत एलन प्रार्थना के साथ की गई। फन फेस्ट में क्लास 6 से 10 तक के उत्साही बच्चे शामिल हुए। फन फेस्ट में बच्चों के लिए कई इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करवाई गई, जिसमें रस्सा कस्सी, सैक रेस, खो खो, म्यूजिकल चेयर, टेबल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसी कई एक्टिविटीज शामिल रही। फन फेस्ट में शामिल हुए सभी स्टूडेंट्स ने खूब मस्ती की और इस पल को यादगार बनाया।
एलन का ये मानना है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक अच्छी साझेदारी होना बेहद जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एलन जयपुर की ओर से स्टूडेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में टीचर्स ने सभी बच्चों से हर टॉपिक पर खुलकर बात की और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। इसके साथ ही टीचर्स ने स्टूडेंट्स को उनकी अब तक की परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताया और साथ ही समझाया कि कैसे अपने वीक एरियाज को बेहतर करना है। स्टूडेंट्स ने टीचर की बातों को ध्यान से सुना और उनकी सलाह को जीवन में अपनाने की बात कही। स्टूडेंट टीचर मीटिंग में शामिल होकर सभी स्टूडेंट्स आत्मविश्वास से भरे नजर आए। फिलहाल एलन संचार में इतना ही। एलन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एलन संचार। नमस्कार।